कहते हैं कि ओला बहुत सस्ती है, लेकिन इन्होंने डाका डाल रखा है। जो दिल्ली सरकार का रेट है, हमें वो चाहिए। टैक्सी का दिल्ली सरकार का रेट 14 रुपये किलोमीटर है, वो हमें दिल्ली सरकार क्यों नहीं दिलवा रही है? ओला कैब का जो परसेंटेज है, वो उन्होंने अपने कमीशन में फुल परसेंट काट रहे हैं। ओला ड्राइवर से उनको कोई ना तो कोई ना कोई हमदर्दी है, ना कोई उनके बारे में कुछ सोच रहे हैं। कोई भी इसमें पार्ट्स ले लो, कोई भी मेंटेनेंस ले लो, हर चीज़ का रेट डबल है। तो अब इसमें हम कितना घाटे में जा रहे हैं? जो भी कोई कंप्लेंट डालता है तो हम ड्राइवर की कंप्लेंट डाल देता है, गाड़ी की कंप्लेंट डाल देता है, हमारी कोई किसी से हम कुछ कह नहीं सकते। नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं DNP इंडिया। जिस तरह से लगातार पेट्रोल, डीजल और CNG के दाम बढ़ रहे हैं, उसी की मार लगातार ओला उबर के जो कैब ड्राइवर हैं वो झेल रहे हैं। हालांकि अब ऐसे में उबर और ओला ने रेट तो बढ़ा दिए हैं, लेकिन उसके बाद क्या इन लोगों की समस्याओं का समाधान हो पाया है या नहीं, इन बात के लिए हमारे साथ ये ड्राइवर्स मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र प्रताप सिंह राणा है जी। राणा जी, ये बताइए, जिस तरह से दाम बढ़ा दिए हैं तो क्या कस्टमर लगातार आ रहे हैं? कस्टमर तो सर ड्यूटी तो मिल रही है। अब देखो, सबसे पहले तो हमें कोरोना की मार पड़ी। कोरोना के बाद CNG इतना बढ़ गई है कि हमारी उस टाइम पे 43 थी दिल्ली में CNG किलो का रेट, 43 था। आज का रेट 72-75 हो चुका है। लेकिन ओला ने जो हमारे जो दाम बढ़ाए, ओला कह रहा है कि हमने दाम बढ़ा दिए, वो सिर्फ 11% बढ़ाए। अब 11% में जब हमें बताओ मिनी की ड्यूटी मिलती है, उसमें हमारे को 7.5 रुपये किलोमीटर मिलता था पहले, अब 11% और ऐड कर दो तो अभी हमारे को मान लो 9 रुपये किलोमीटर मिल रहा है। आप CNG का रेट देखो, डबल हो गया। कहाँ 43 था और आज के टाइम में 43 से 75-80 हो गया है। एक तरह से गाज़ियाबाद नोएडा में देखो तो 80 है, हरियाणा में 80 हो चुका है, दिल्ली में ज़रूर 70 है। लेकिन एक बात बताओ, जो दिल्ली सरकार का रेट है, हमें वो चाहिए। टैक्सी का दिल्ली सरकार का रेट 14 रुपये किलोमीटर है, वो हमें दिल्ली सरकार क्यों नहीं दिलवा रही है? हमारी मांग ही ये है कि हमें जो गवर्नमेंट का रेट है वो मिलना चाहिए। ओला कस्टमर से क्या लेता है, हमें उससे कोई मैटर नहीं है। हमें सिर्फ जो गवर्नमेंट का रेट है टैक्सी का 14 रुपये किलोमीटर का, हमें वो दिलवाओ। क्योंकि इस टाइम भाई साहब खर्चे देखो, हर चीज़ का रेट डबल हो चुका है। कोई भी इसमें पार्ट्स ले लो, कोई भी मेंटेनेंस ले लो, हर चीज़ का रेट डबल है। तो अब इसमें हम कितना घाटे में जा रहे हैं? और कस्टमर भी हमें आज के टाइम में 2-2 घंटे में एक मिलता है, क्या कर सकते हैं? ये हमारी मजबूरी है, कि अब ओला में अटैच कर रखी है, ये गाड़ी हटा नहीं सकते, तो चलाना हमारी मजबूरी है। क्योंकि ऐप के बगैर हमारे को ड्यूटी नहीं मिलती, ऐप के बगैर सवारी नहीं ले सकते हम। तो बिल्कुल, देखिए इनकी समस्याएं गंभीर हैं। जिस तरह से इनका कहना है कि लगातार जो महंगाई बढ़ी है, उसके बाद सिर्फ इनको जो मिलना था वो महज 11% मिला, तो इनकी परेशानी बढ़ी हुई है। और भी लोग इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजेंद्र है। अभी आप कहाँ से ड्यूटी लेकर आए? अभी मैं दादरी से ड्यूटी लेके आया हूँ, तो जिसमें कि ओला कैब का जो परसेंटेज है, वो उन्होंने अपने कमीशन में फुल परसेंट काट रहे हैं। ओला ड्राइवर से उनको कोई ना तो कोई ना कोई हमदर्दी है, ना कोई उनके बारे में कुछ सोच रहे हैं। उनको तो अपने फेयर से सिर्फ जो भी कोई कंप्लेंट डालता है तो ड्राइवर की कंप्लेंट डाल देता है, गाड़ी की कंप्लेंट डाल देता है, हमारी कोई किसी से हम कुछ कह नहीं सकते। अब किससे कह रहे हैं जाकर के? अच्छा, ये बताइए, अब जब से रेट बढ़े हैं, जिस तरह से आपकी ड्यूटी आ रही होगी, जो ग्राहक हैं उनका क्या कहना होता है जब रेट देखते हैं कि अच्छा ये रेट इतना आना चाहिए? उसमें तो वो भी परेशान है। वो देखते हैं, बताते हैं कि हमारी को इसमें जो है ऐप में जो है इतना फेयर दिखाया जा रहा है, और आप और वहाँ से जो है फिर उसको उसके जहाँ हम उनको छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं, उसके उनका फेयर फिर चेंज हो जाता है। तो वो भी हमसे परेशान है और ओला से भी परेशान है। तो बिल्कुल, देखिए इनकी समस्याएं भी पूरी तरह से आम है। जिस तरह से इनको जो इनका कहना है कि महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ा है, स्पेयर पार्ट्स के खर्चे बढ़ गए हैं, इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो इनको दाम मिलने थे उनको लेकर ये नाराज़ हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आपसे जाना चाहेंगे, आप भी क्या ओला कैब? बड़े भाई, हम तो ऑटो चलाते हैं, फ्री फेयर ऑटो। अच्छा, चलिए आपसे भी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो लोग हैं बेहद ज़्यादा परेशान हैं, और इनकी मांग है कि जिस तरह के जो रेट सरकार ने तय किए हैं वो तय रेट इनको मिल जाए। जिस तरह से हमने ओला वर्करों से बातचीत की, उबर वर्करों से बातचीत की, उनका कहना था कि जिस तरह से रेट बढ़ाए हैं, कहीं ना कहीं
उनके काम पर भी असर पड़ रहा है। ड्यूटियाँ तो मिल रही हैं लेकिन वो पहले की तरह नहीं मिल रही हैं। ऐसे में ग्राहक क्या सोचता है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ जो ओला को इस्तेमाल करते हैं वो ग्राहक मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मुझे संतोष उपाध्याय कहते हैं। उपाध्याय जी, ये बताइए जिस तरह से ओला ने अपने दाम बढ़ाए हैं, क्या लगता है आपको, सही है? नहीं, पूरे सब चीज़ के दाम बढ़ गए, सब्जी तक के भी दाम बढ़े हुए हैं, पेट्रोल और डीजल ये सब के भी दाम। 5 साल से महंगाई महंगाई के अलावा महंगाई छी रही है आसमान को, बाकी और कोई काम नहीं चल रहा है, काम सारे ठप हो गए हैं जितने भी हैं। अब ऐसे में सफ़र भी महंगा हो गया? सफ़र तो है ही, ऑलरेडी सफ़र महंगा हो जाएगा अपने आप ही, जब हर चीज़ महंगी होगी तो सफ़र ही कहाँ से बचेगा। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं। दवाइयाँ महंगी हो गई, डॉक्टरों के पैसे बढ़ गए, काम उधर जो काम था वो बंद हो गए, तो पब्लिक देखिए समस्याएं जो हैं वो हैं और लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। और भी लोग हैं, आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम लालमन सिंह है। अच्छा लालमन जी, ये बताइए आप जब ओला को इस्तेमाल करते हैं उसके ऐप के थ्रू, आप बुक उसके लिए जो अपनी राइड है वो बुक करते होंगे, तो कैसा अनुभव रहता है? और उसमें जैसे सुनने में आता है अक्सर कि जो पैसे बताए जाते हैं उससे ज़्यादा आजकल लिए जाते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, जब हम बुक करने जाते हैं तब कुछ बात और होती है, बुक करने के बाद कुछ और होती है। ऐसा है कि ये लोग बिल्कुल गरीब आदमी की, जो कहते हैं कि ओला बहुत सस्ती है बहुत सस्ती है, लेकिन इन्होंने डाका डाल रखा। इनकी कंप्लेंट जो है, यदि हम ड्राइवर से कोई बात करते हैं कि इस तरीके से कैसे आपने फालतू बता दिया, होने थे इतने चाहिए, तो वो क्या कहते हैं ये तो कंपनी का काम है, और कंपनी वाले से कौन लीजिएगा, क्योंकि गरीब आदमी तो इतना तो फुर्सत है नहीं कि गरीब आदमी जो ओला वालों से या कंपनी से लड़ लेगा। हम तो जब उसी से तो बात कर सकते हैं जो हमारे सामने है, हमने तो कहीं देखा नहीं कहाँ से है कहीं, पर ऐप से जो है बातें चलती हैं। वास्तविक बात यह है कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं और जो अब वर्तमान की सरकार है, ये गरीबों की है नहीं, ये बड़ी बड़ी कंपनियों की है, और जो इनसे टकराएगा और वो उनकी सुनवाई नहीं होती। ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, और पूंजीपति जो है बड़े बड़े ऐप बनाकर जो है गरीब आदमी का इतना बड़ा शोषण कर रहे हैं, जो एक बार इन सब यूज कर लिया वो वास्तविक समझ जाएगा। ये तो चारों तरफ से डाका डाला जा रहा है गरीब आदमी के जेब से, चाहे खाद्यान्न की बात हो, चाहे सफ़र की बात हो, चाहे इलाज की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो, तो देश तो तबाह हो गया इतना। बिल्कुल, देखिए महंगाई को लेकर इनका कहना है कि लगातार हर चीज़ पर महंगाई थी, अब ऐसे में ये एक महंगाई नई और सामने आई है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई, बस के किराए तक क्या कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ, महंगाई तो हर चीज़ में बढ़ी रही है, हर चीज़ में बढ़ रही है महंगाई। पेट्रोल के दाम देख लो, डीजल के दाम देख लो, हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। हाँ जी, सब तो महंगाई बढ़ी रही है। तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रहा है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।